सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी को लेकर दुनिया को टक्कर देने वाले ताइवान का जल्द ही सागर विश्वविद्यालय से एक बड़ा करार होने जा रहा है, जिसके बाद सागर विश्वविद्यालय के बच्चे ताइवान की टेक्नोलॉजी का अध्ययन कर सकेंगे, पढ़ सकेंगे, शोध कर सकेंगे। हाल ही में सागर विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर नीलिमा गुप्ता ने ताइवान के 6 यूनिवर्सिटी का दौरा किया है, जहाँ पर इसको लेकर चर्चा हुई है, जिसके बाद यह अकादमिक करार किया जा रहा है। जल्द ही इसको लेकर एक प्रपोजल भी तैयार किया जा रहा है, जिसके बाद इसमें दोहरी डिग्री भी मिलेगी, यानी बच्चे 2 साल तक सागर में और फिर इसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए, शोध के लिए ताइवान जा सकेंगे, और इस तरह का करार हो रहा है। इसके लिए सागर विश्वविद्यालय में इंटरनेशनल सेल की स्थापना की गई है, एक टीम तैयार की जा रही है, जो बच्चे ताइवान जाना चाहते हैं इससे संबंधित उनके लिए मार्गदर्शन देगी। ताइवान सेमीकंडक्टर्स के मामले में बहुत आगे है और इनफैक्ट वो पूरी दुनिया में बहुत लीड कर रहा है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैंने वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ विज़िट की और जो नेशनल ताइपाई यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी है वो तो इसमें एक्सेल करती है, उसमें बहुत अच्छी अच्छी लेबोरेटरीज़ भी हैं और इसी के साथ एक सेमीकंडक्टर की उनका पूरा इंस्टीट्यूट है, वो भी देखने का एक मौका मिला। ये सब देखने के बाद ऑफकोर्स ये इच्छा होती है कि हमारे छात्र छात्राएं उससे कैसे एक बेनिफिट ले सकते हैं, तो चर्चा करने के बाद ये पता चला कि हमारे छात्र छात्राएं भी वहाँ जा सकते हैं। देखिए, 2 पॉसिबिलिटी हैं, एक तो हम अपने छात्र छात्राओं को वहाँ पर एक्सपर्टीज़ लेने के लिए जाएं, इसी के साथ मैंने ये भी चर्चा की कि हमारी कुछ फैकल्टी भी यदि जाना चाहती हैं और कोई टेक्निकल की लेबोरेटरीज़ वहाँ की बहुत अच्छी हैं, तो इस पर भी उन्होंने सहमति दी कि हमारी फैकल्टी भी वहाँ पर जा सकती है। और उसके साथ ही इस पर भी हम लोगों ने चर्चा की, स्पेशली जब हमारी मिनिस्टर साहब के साथ मुलाकात हुई थी, उन्होंने डिनर पर हम लोग को पूरे डेलीगेशन को आमंत्रित किया था, तो हमने ड्यूअल डिग्री प्रोग्राम के बारे में भी उनसे चर्चा की कि कैसे हमारे छात्र छात्राएं 2 साल यहाँ पढ़ के 2 साल ताइवान में पढ़ के कैसे ड्यूअल डिग्री ले सकते हैं। तो हमारा ये विचार है कि डॉक्टर हरी सिंह और सागर विश्वविद्यालय दोनों ही क्षेत्रों में, चाहे वो एकेडमिकली डिग्री लेने के मामले में हो और या रिसर्च के शोध के मामले में, तो वहाँ इतनी अच्छी अच्छी सेमी कंडक्टर्स की लैब हैं। इसी के साथ मैंने देखा कि और भी बहुत अच्छी लैब्स हैं, जैसे लाइफ साइंसेस की लैब्स बहुत अच्छी अच्छी लैब्स हैं, उन्होंने एक मछली बनाई है एआई मछली, और वो एआई मछली प्लास्टिक की आपको लगेगी, पानी में तैरती है, वो पोल्यूशन बता देती है कि कितना प्रदूषित पानी है, और इस तरह से इनका जो प्लान है कि वो पानी में ऐसी मछलियों को छोड़ेंगे जिससे कि जहाँ पर भी पानी प्रदूषित है वहाँ से मछलियों को बचा के ले जाएंगे, तो इस तरह का शोध वहाँ पर हो रहा है। तो मुझे लगता है कि सिर्फ सेमीकंडक्टर ही नहीं, लेकिन इसके साथ फिजिक्स में, लाइफ साइंसेज में, एंथ्रोपोलॉजी में, अर्थ साइंसेज में, जियोलॉजी में, हमारा भी जियोलॉजी का डिपार्टमेंट यहाँ पर बहुत अच्छा है, तो मुझे लगता है इन विभागों में तो डायरेक्टली हमारे बच्चे वहाँ पर आगे जा सकते हैं। फार्मेसी है, केमिस्ट्री है, इन सब में बहुत ही संभावनाएं हैं। तो हमारा जो इंटरनेशनल सेल है जो विश्वविद्यालय में स्थापित किया गया है, मैं इस आगे आने वाले सप्ताह में ही बैठ के चर्चा करके हम अपनी वेबसाइट पर ये पूरा डालेंगे। मैं प्रपोजल मेरा बन भी रहा है, मैंने आज ही अपने पीए को दे दिया है, ये हम अपनी वेबसाइट पर डालेंगे और हमारी एक टीम रहेगी यूनिवर्सिटी में जो हमारे छात्र छात्राएं वहाँ जाना चाहेंगे उनको गाइड करेगी। 6 विश्वविद्यालय तो मैंने स्वयं विजिट किए हैं, उनके बारे में मेरे पास पूरी जानकारी है, डिटेल्स हैं, और इसके अलावा भी यदि किसी विश्वविद्यालय में छात्र छात्राएं जाना चाहेंगे तो हमारी टीम उन्हें अवश्य मदद करेगी और उनके प्लेसमेंट्स में भी सहायता करेगी।